हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। खेल से जुड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और जैसा कि हमने देखा है कि गुरुवार को हुआ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में T20 मैच, जो है बहुत ही ज़्यादा खास वो नहीं रहा। टीम इंडिया के की अगर हम बात कर रहे हैं तो टीम इंडिया के लिए जो है पहला मैच जो निराशाजनक रहा। टीम इंडिया को 7 विकेट से जो है साउथ अफ्रीका ने हराया है। ऐसे में जो इस हार की सबसे बड़ी जो जिम्मेदार कौन था, ये आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर टीम इंडिया को इतनी बड़ी हार का सामना आखिर कैसे करना पड़ा, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इससे पहले जिस तरह से टीम इंडिया के जो युवा खिलाड़ी थे, जो गेंदबाज थे, जो बॉलर्स थे, वो IPL में बिजी थे और IPL में जो है उनका बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला, चाहे वो हर्षल हो, बोवी हो, चहल हो। लेकिन यही खिलाड़ी IPL में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जब बात T20 सीरीज की आई, इनका साउथ अफ्रीका के साथ जो सीरीज शुरू हुई है, जो पहला मैच हुआ उसमें जो है ये खिलाड़ी फ्लॉप साबित हुए। पहले मैच के दौरान जो है इनका जो प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। जो ये पहला मैच हुआ इसमें जो है 212 रन का जो टारगेट इन्हें मिला था, इसे टीम इंडिया जो है डिफेंड नहीं कर पाई। तो काफ़ी महंगे साबित हुए हैं ये बॉलर्स। बात हम करें भुवनेश्वर कुमार की, तो भुवनेश्वर कुमार ने जो है काफ़ी अनुभवी गेंदबाज की वो तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि उन्होंने 1 विकेट लिया है, लेकिन 4 ओवरों के स्पेल में 43 रन उन्होंने दिए। 18वें ओवर में उन्होंने कुल 22 रन दे डाले। हर्षल पटेल की अगर बात करें तो उनका भी जो बॉलिंग जो स्पेल रहा है, उन्होंने अपने स्पेल में 43 रन खर्च कर डाले। युजवेंद्र चहल की अगर बात करें तो उन्होंने तो IPL में इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि उन्हें पर्पल कैप तक मिली थी, लेकिन देखिए इस बार यहाँ पर उन्होंने क्या किया। स्पिन गेंदबाजों की अगर बात करें, युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल, इनकी हालत भी वही रही। चहल ने तो 2.1 ओवर में 26 और अक्षर ने 4 ओवरों में 40 रन दे दिए। तो इन्होंने रन देने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की। तो IPL में इनका जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला था। हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, अक्षर पटेल, ये गेंदबाजों का जो है काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस यहाँ पर रहा। लेकिन इनकी खराब बॉलिंग की वजह से जो है टीम इंडिया को जो भुगतना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। देखा जाए तो सबसे बड़ा टारगेट, देखिए 212 रन जो है साउथ अफ्रीका ने बनाया, ये ऐसा पहली बार हुआ है। क्योंकि इससे पहले 2015 में जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका महज 200 रन ही बना पाई थी। इससे पहले 2016 में जो है 193 रन जो है यहाँ पर देखे गए थे। तो कैसा ये मुकाबला रहा मैं आपको ये बताती हूँ। तो टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने जो है 20 ओवर में 4 विकेट पर 211 रन उन्होंने बना लिए थे। ओपनर ईशान किशन ने 48 गेंदों पर 76 रनों की शानदार पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 36 और हार्दिक पंड्या ने नाबाद 31 रनों का योगदान दिया। तो वहीं अगर साउथ अफ्रीका के लिए ड्वेन प्रिटोरियस, पार्नेल, केशव महाराज और एनब्रिक नॉर्कनिया ने 1-1 विकेट लिए। चलिए ये तो बात हुई पहले T20 के मैच की, देखना है कि बाकी के मैच किस तरह से होते हैं, टीम इंडिया किस तरह से प्रदर्शन करती है, क्या साउथ अफ्रीका भारी पड़ती है टीम इंडिया के पर, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें।